सब्सक्राइब करें टेक्नोज मोबाइल चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्नो मोबाइल में। और आज मैं आपके सामने दोस्तों अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ अपने फोन नए का, जो कि है रेडमी नोट 7। और मैं आपको इसके बारे में पूरे इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, इसके स्पेक्स और पूरी अनबॉक्सिंग आपके सामने करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये मेरा 332 वेरियंट है और ये मेरे को 10,000 का पड़ा है। और बाकी की डिटेल्स दोस्तों मैं आपको अनबॉक्सिंग में ही दे दूंगा। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये आपको हमारा पाउच दिख ही रहा होगा और इसी में हमारा नोट 7 आया है अभी। तो अब मैं इसे चलिए ओपन कर लेता हूँ। और ये देख सकते हैं मैंने MI.com से मंगाया है। ये सामने आपको बिल मिल जाता है, आपको बिल की डिटेल्स ना दिखा के मैं इसे ओपन कर लेता हूँ जल्दी से। चलिए अब मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं मैंने इसे ओपन कर लिया और अब मैं इसकी पॉलिथीन निकाल लेता हूँ। दोस्तों ये देख सकते हैं मैंने निकाल लिया, ओपन कर लिया है। और ये देख सकते हैं आपको सामने फ्रंट के सामने दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आपको इंडियाज नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड मिल जाता है और MI.com लिखा हुआ। और नीचे की तरफ देख सकते हैं दोस्तों आपको रेडमी नोट 7 लिखा हुआ मिल जाता है। बैक की बात करें दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ फीचर्स दिखा देता है, जैसे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 का प्रोसेसर मिल जाता है, 16 सेंटीमीटर यानी कि 6.3 इंच की वो डिस्प्ले मिल जाती है, फुल HD प्लस डिस्प्ले प्लस नॉच डिस्प्ले जिसको शाओमी कहते हैं डॉट नॉच। और हम अगर रियर कैमरे की बात करें तो यहाँ पे आपको 12 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है विद AI सपोर्ट के साथ। और 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है आपको, वूक चार्जर मिल जाता है 4.0 का। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ऑनिक्स ब्लैक कलर का मंगाया है, 3GB 32GB वेरियंट। चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और मैं आपको प्राइस बता देता हूँ दोस्तों। तो इसकी प्राइस हमें मेरे को पड़ी है इस 10,000 रुपीज की, बिना कुछ डिस्काउंट वगैरह यूज किए। तो चलिए अब मैं इसकी सील भी तोड़ देता हूँ और मैं इसे ओपन कर लेता हूँ जल्दी से। अब मैं इसकी सील ओपन कर लेता हूँ। ये यहां से ओपन कर ली और एक यहां से है, तो ये मैंने ओपन कर ली है और मैं अब इसे ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों अब मैंने ये ओपन कर लिया और साइड में देखिए आपको यहाँ पे Redmi Note 7 by Xiaomi लिखा हुआ मिल जाता है। और फ्रंट में देख सकते हैं दोस्तों आपको ये कवर मिल जाता है, इसके अंदर आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये कवर मिल जाता है आपको इसका, ये देख सकते हैं। और इसे मैं निकाल लेता हूँ कवर को। ये देख सकते हैं दोस्तों कवर मिल जाता है, बाकी ठीक ठाक मिलता है, इतना भी खराब नहीं मिलता है। हालांकि अगर आपको ये ट्रांसपेरेंट मिलता तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लगा के रखते हैं 1 मंथ अप्रॉक्सीमेटली तो उसका कलर चेंज होने लग जाता है वाइट से ट्रांसपेरेंट से। तो उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक मैनुअल मिल जाती है, देख सकते हैं MI की। और उसके अलावा यहाँ पे आपको एक यूजर गाइड मिल जाती है रेडमी नोट 7 की, ये देख सकते हैं। और अगर हम इसमें सिम इजेक्टर टूल की बात करें तो दोस्तों ये मैं इसे ओपन कर लेता हूं और यहां पे आप देख सकते हैं सिम इजेक्टर टूल आपको मिल जाता है। चलिए और ये देख सकते हैं दोस्तों आपको फ्रंट में यहाँ पे रेडमी नोट 7 दिखा मिल जाता है आपको। तो अब मैं इसे निकाल लेता हूं, मैं इसे साइड में रख देता हूं। और ये देख सकते हैं अब बाकी बॉक्स कंटेंट्स की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपको देख सकते हैं एक सुपर बुक चार्जर मिल जाता है, ये भी Xiaomi का है। और देख सकते हैं इसमें आपको 5V 2 Ampere का सपोर्ट मिल जाता है, इसमें देख सकते हैं पावर्ड बाय Xiaomi। और ये आपको दोस्तों यहाँ पे आपको टाइप सी की केबल मिल जाती है, मैं आपको केबल दिखा देता हूँ निकाल के। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आपको टाइप सी केबल दिख रही होगी आपको। अब हम इन सब सारे कंटेंट्स को साइड कर देते हैं और बात करते हैं हम अपने फोन की। तो फोन में देखो ये आपको देख सकते हैं सामने Redmi Note 7 स्टिकर लिखा हुआ मिल जाता है, Qualcomm वही फीचर्स मिल जाते हैं सेम टू सेम जो आपको फोन फोन के बॉक्स में लिखे हुए मिल जाते हैं। और बैक में दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये लगा हुआ मिल जाता है। अब मैं दोस्तों सारी चीजें साइड कर देता हूँ इसमें और मैं इसकी अब इसे निकाल देता हूँ स्टिकर इसका।
और दोस्तों अब मैं इस बैक वाले स्टिकर को भी निकाल देता हूं। और देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको मॉडल और यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता है मेड इन इंडिया। तो मैं इसे जल्दी से बूट कर लेता हूँ फोन को। तो अब मैं अपने फोन को बूट कर लेता हूँ, देखता हूँ इसमें बैटरी होगी। तो ये वाइब्रेट होने के बाद दोस्तों ये देख सकते हैं सामने आपको लिखा हुआ मिल जाता है रेडमी, देख सकते हैं। और इसके फिजिकल लुक की बात करें तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, इसमें राइट की बात करें तो यहाँ पे आपको पावर बटन मिल जाती है और उसके अलावा दोस्तों है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मेरा बूट हो चुका है फोन, और ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको MIUI 10 का वो लिखा हुआ मिल जाता है। और अब मैं इसे जल्दी से बूट कर लेता हूँ पूरा। और मैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट भी सेट कर लेता हूँ पहले। यहाँ पे मैं सिंपल पैटर्न लगा लेता हूँ। और अब मैं इसमें फिंगर लगा लेता हूँ और इसे सेटअप कर लेता हूँ। ये ऐड हो चुका है और सिंपल हम थीम चूज कर लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, और दोस्तों आपको यहाँ पे एक बटन मिल जाती है राइट में वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन की। कहें तो दोस्तों बैक में आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपको रेडमी की पावर वो मिल जाती है। की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपको कैमरा मिल जाता है, देख सकते हैं आप। ये बैक में आपको 12+2 मेगापिक्सल का कैमरा और फ्लैश लाइट मिल जाती है, और AI कैमरा का आपको देख सकते हैं ब्रांडिंग मिल जाती है। और डाउन में आपको यहाँ पे रेडमी बाय Xiaomi की ब्रांडिंग मिलती है, और बीच में यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाते हैं दोनों साइड, और बीच में आपको टाइप सी केबल लगाने के लिए वो मिल जाता है। और अब की बात करें दोस्तों यहाँ पे आपको ऑडियो जैक मिल जाता है, IF ब्लास्टर मिल जाता है, और सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन का वो मिल जाता है। तो अब दोस्तों ये देख सकते हैं मेरा ये सेटअप हो चुका है, देख सकते हैं। और मैं जल्दी से आपको इसका एंड्रॉयड वर्जन दिखा देता हूँ। तो अब मैं सेटिंग में जा जाता हूँ और अबाउट फोन में यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज आपको 21.63 GB की मिल जाती है, और यहाँ पे आपको मॉडल नंबर रेडमी नोट 7 मिल जाता है। एंड्रॉयड वर्जन देख सकते हैं यहाँ पे एंड्रॉयड 9 मिल जाता है, एंड्रॉयड 9 Pie। और यहाँ पे सिक्योरिटी पैच की बात करें तो दोस्तों ये आपको देख सकते हैं 3rd महीने का मिल जाता है, और इसमें आपको देख सकते हैं MIUI 10 ग्लोबल 10.2 का मिल जाता है आपको अपडेट। और अब मैं इसके जल्दी से फिंगरप्रिंट सेटअप की बात कर लेता हूँ, और उसके पहले मैं जल्दी से इसमें फेस अनलॉक सेट कर लेता हूँ जब तक। तो ये देख सकते हैं मैं अब जल्दी से फेस डेटा अपना वो करने जा रहा हूँ सेटअप। और मैंने दोस्तों इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर और दोनों सेट कर लिया है। सबसे पहले मैं आपको फेस अनलॉक की बात करते हैं, तो ये मैंने बंद कर दिया है, और अब देख सकते हैं जैसे ओपन किया ये आपको मिल जाता है, जैसे किया ये ओपन हो जाता है। एक और बार आपको दिखा देता हूं, ये होम स्क्रीन में जब आप जाते हैं उसके बाद आप डायरेक्टली खोल सकते हैं इसे। एक और बार दिखाता हूं, जैसे ये ओपन किया और ये खुल गया, बाकी इंस्टेंट है काफी। और हम इसकी जल्दी से इसकी फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात कर लेते हैं, तो ये दोस्तों देख सकते हैं आप, ये दोस्तों ये देखिए जल्दी ओपन हो रहा है, ये देख सकते हैं आप। तो रियर कैमरे की फोटो की बात करें तो आप देख सकते हैं इसके एग्जांपल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरे, और ये रहा सेकंड एग्जांपल देख सकते हैं काफ़ी, और फ्रंट की देख सकते हैं दोस्तों। और इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो ये नाइट मोड हो गया अपना, ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों अगर आपको मेरे इस फोन नोट 7 की अनबॉक्सिंग पसंद आई है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और जल्दी मैं दोस्तों आपका इसको कैमरा रिव्यू भी लाऊंगा आपके सामने, जो कि मैं आपको कल परसों तक मैं अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपका धन्यवाद हमारे साथ।